हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो है चंद लाइनें आप लोगों से कहना चाहेंगे, वाह वाह जरूर करिएगा। और जिन लोगों को मेरी जो है ये चार लाइनें पसंद आए ना, वो लोग अनुमान जरूर लगा लीजिएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, अरे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा, अरे बहू को तूने बहू न समझा, समझा नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। वाह 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 वाह, किसके लिए हमने ये गाना प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज जो है हम अपने भाभी रंजना के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी भाभी मनीषा के बारे में बात किया था तो लोगों ने बहुत तालियां 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 बजाई थी। आज जो है हम अपने भाभी रंजना के बारे में बात कर रही हैं। तो देखिए, रंजना भाभी ने हमको कितना बदल करके रख दिया है गाइज। आज हम उनके लिए अपनी जुल्फे खोल करके आए हैं और इतनी लंबी 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 लंबी, मेरे बाल बड़े लंबे हैं, यहाँ तक दम चले गए हैं कंधे तक। तो आज हमारे बाल ऐसे ही रहेंगे, आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा। हमको लग रहा है कि कुछ दिन बाद हम जो है ऐसे मेकअप करना सीख जाएंगे इन सारे ब्लॉगरों की वजह से। तो चलिए, आज हमारे इन बालों के साथ में आपका वेलकम होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी भाभी रंजना के बारे में। तो हमारी ये भाभी रंजना जो है ऐसी भाभी हैं, घर की ऐसी भाभी हैं, ऐसी भाभी हैं जिनसे सासू माँ बड़ी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं गाइज, इतनी दुखी हैं कि काही बताएं। क्योंकि हमारी भाभी जो रंजना है ना, ये किचन गंदा रहता है, मैला रहता है, कुचैला रहता है, सिंक जाम रहता है, पनारा में हिल्ला किच्चा रहता है, किचन में के डस्टबिन में कीड़े पड़े रहते हैं, सब कुछ हो गया रहता है। लेकिन हमारी जो ये भाभी हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको खाली धपा धप रोटियां बनानी रहती हैं। इनका एक ही काम है गाइज, मोटी रोटी, पतली रोटी, लंबी रोटी, चौड़ी रोटी, गोल रोटी, हाथ वाली रोटी, लिट्टी वाली रोटी, रोटी पे रोटी, बारात में रोटी, बाजार में रोटी, गांव में रोटी, शहर में रोटी, भंडारे में रोटी, ये हर जगह रोटी ही रोटी बनाती रहती हैं। इनका हम जब से वीडियो देखना शुरू किए हैं गाइज, हम भांति भांति प्रकार के रोटी बनाना सीख गए हैं। हमको भांति भांति प्रकार की रोटी जो है वो बनानी आ गई है इनकी वीडियो देख देख करके। एक तो हमको फायदा हुआ कि हमको रोटी ही रोटी बनाने आ गई है। इनकी वीडियो ने हमारी ज़िंदगी में इतना असर डाला है कि देखिए, हम मेकअप करना शुरू कर दिए हैं गाइज। जो आज तक हमको कोई भी नहीं बदल पाया, वो हमारी भाभी जी ने हमको बदल करके रख दिया। क्या है इनकी वीडियो में जिसकी वजह से हम बदल गए, अपनी जुल्फे जटाए जो है ऐसे खोल खोल करके आ गए, क्योंकि हम इनके रील्स के बड़े दीवाने हैं। क्या रील्स बनाती है बाबू, दम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। चलिए भाभी जी की थोड़ी कला की बात करते हैं। कला, भाभी जी में क्या क्या गुण है। भाभी जी में बहुत गुण है। ये सवेरे उठ जाती हैं भोरे चार बजे उठ करके स्नान कर लेती हैं, तैयार हो जाती हैं, सब बढ़िया लुगा धोती पहन लेती हैं, मंदिर में दिया भी जला लेती हैं। इनका सारा काम समय से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये किचन में नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंतज़ार करती रहती हैं कि जब आलू का भुजिया, आलू का भुजिया, पटल का भुजिया, कुंदरू का भुजिया बन जाएगा, इसके बाद ही जा करके किचन में भांति भांति प्रकार का रोटी बनाएंगी। इसीलिए ये अपने कमरे में से उचक उचक के इसे निहारती रहती है कि कोई किचन में गया कि नहीं गया, क्योंकि इन्होंने जो है एकदम ठान लिया है, प्रण कर लिया है कि मैं जो भी करूँगी
सही करूंगी और मैं रोटी ही बनाऊंगी तो रोटी ही बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये मेरा दृढ़ संकल्प है। हम इस घर में विवाह करके इसीलिए आए हैं कि हमको हमारे माँ बाप ने भेजा है कि बेटा जब तुम ससुराल में जाना तो सिर्फ भांति भांति के रोटी बनाना, इसीलिए हम खाली भांति भांति के रोटी बनाएंगे ससुराल में आ करके। चाहे वो रोटी आप पानी में बोर करके खाओ, चाहे आप वो रोटी दाल में बोर करके खाओ, चाहे आप वो रोटी दूध में बोर करके खाओ, चाहे रोटी में नमक लगा करके खाओ, चाहे सूखे रोटी चबा लो, लेकिन ये इनकी शादी ही इसी शर्त पे हुई थी। ये हमारी आंटी जी ने इसी शर्त पे शादी किया था कि ये जब हमारे घर में जाएंगी तो भांति भांति प्रकार का खाली रोटी बनाएंगी। गाय जिनको रोटियों का बहुत सारी वैरायटी आती है और इनके चक्कर में हमने बहुत सारी वैरायटी सीख लिया है। ये झूलती नहीं है गाय, ये इनको हमने आज तक झूलते हुए नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये बड़ा यहाँ से साथी रहें। जैसे ही सासू माँ इनको कुछ कहती हैं कि अरे रोटी के साथ खाने के लिए आलू का भुजिया बना लो, ऐसे ही ये अपना झोरा ओरा भर करके नैहर जाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। जब देखिए तब धै नैहर धै नैहर धै नैहर। जब नैहरे जाना था बहन तो काहे को विवाह की, काहे को झूठे का आंटी जी का करेजा पर सांप लुटवा रही हैं रोज का रोज। जब देखो तब नैहर, सावन में नैहर, भादो में नैहर, अतवार को नैहर, पितर पक्ष में नैहर, और यहाँ पे दीपावली पे नैहर, सब समय नैहर ही नैहर नैहर ही नैहर। बताइए जिंदगी एकदम से छिछिया गई है आंटी जी की, इनके नैहर की वजह से आंटी जी का ब्लड प्रेशर ये एकदम हाई रहता है हाई। कैसी बहू पाई हैं, ऐसी बहू पाई हैं जिनको कि खाने में सिर्फ और सिर्फ भांति भांति प्रकार का रोटी बनाने आता है। इनके अंदर और गुण है गाइज, ये मुंह की एकदम सीधी हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं, सब चीज़ में जो है ये एकदम चुप रहती हैं, और फिर रात में अपने जो मजनू पति हैं उनका कान में ऐसे ऐसा मंत्र मारती हैं, ऐसे फू 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 कर करके एकदम रात भर में पढ़ा लिखा के ट्रेंड कर देती हैं, फिर अपने पति को आगे ढकेल देती हैं कि जाओ सीमा पर जाओ और हमारे लिए युद्ध करो। इनके पति बॉर्डर पे जाते हैं धाएं 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 धाएं, सारे घर वालों को जो है उठी सूती के गोलियां चलाने लगते हैं। ये इतना कन्वेंस कर चुकी हैं अपने पति को, इतना कन्वेंस कर चुकी हैं अपने पति को कि इनके पति जो है लेडीजों वाला काम करने लगे हैं। देखो गाइज बिलाउज, देखो गाइज बिलाउज का बटन, देखो गाइज ज्वेलरी कलेक्शन। जो आदमी का काम होता है बाहर में काम करने का धरने का, उनको इन्होंने एकदम पता नहीं क्या बना दिया है, घर में मोगा बना करके रख दिया है। ऐसी है हमारी भाभी रंजना, और जब ही इनको कोई शिक्षा देने आता है कि चलो ठीक है तुम्हारी जेठानी ठीक नहीं है, वो झूलती रहती हैं झूलती रहती हैं, तो तुम कम से कम सही रहती हो तो तुम ही कोई काम कर लो। इनको बढ़िया बात भी सिखाया जाता है तो वैसे ही अपना झोरा ओरा में सामान भर के तैयार हो जाती है। हम जा रहे हैं नैहर, हम जा रहे हैं नैहर, हम जा रहे हैं नैहर। हाय रे इनका नैहर, और इनको आंटी जी जब कोई चीज़ सिखाने जाती हैं कि बहू रंजना एक बार सिंक को भी साफ कर लिया करो, वैसे ही अपना वैसे ही आधा दिया रोटी बना छोड़ करके घर में आती हैं, कमरा में झोरा ओरा में सामान भरने लगती हैं। सासू माँ सोचती हैं कि गई होगी कोई पर्सनल काम से, लेकिन क्या देखती हैं कि कमरे से बाहर झोरा ओरा ले करके निकल रही हैं। हम जा रहे हैं नैहर, हम जा रहे हैं नैहर, हम जा रहे हैं नैहर। सासू माँ भी एकदम परेशान है कि हम कौने नक्षत्र में इनकर ब्याह किए रहे, एक बहू से तो हम वैसे ही लाचार रहे, फिर हाई दूसरी पनौती आ गई जिनको रोटी के सिवा कुछ बनाने नहीं आता है, और जब इनको सहूर सिखाने चलो तो इधर नैहर थे नैहर थे नैहर 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 जाती। अपने तो जाती हैं हमारे लड़को लेके जाती हैं, लड़का भी इनका एकदम से बिगाड़ करके रख दिए। पहले बेचारा इतना बढ़िया था, माँ की आज्ञा का पालन करता था, माँ जो कहती थी वही करता था और माँ के साथ में काम में हाथ बटाता था, लेकिन जब से हमारी भौजी घर में आई है घर का माहौल बदल गया है एकदम गाइज। देख लीजिए छिपकली भी हमारे घर में घूम रहे हैं।
ऐसी है हमारी रंजना भाभी। इनको जब भी कोई सिखाने जाता है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा संस्कारी बनती थी कि गाइज सवेरे 4 बजे उठ करके घर में झाड़ू वाड़ू लगा देना चाहिए, लेकिन फिर ये जो है वही काम बोल करके नहीं करती हैं, खाली गाइज को सिखाती हैं। इनके चक्कर में हम जो है 4 बजे उठ करके घर में झाड़ू लगाना सीख गए, लेकिन ये हमारी मैडम जी तो सीखी ही नहीं। इनके घर में तो सवेरे 11 बजे सो के उठती हैं सासू माँ, परेशान हैं क्योंकि घर में ससुर जो है वो बिना खाए चले जा रहे हैं विद्यालय, जेठ बिना खाए चले जा रहे हैं विद्यालय, लेकिन हमारी रंजना जी को जब आंटी जी कुछ कहती हैं, सासू माँ कुछ कहती हैं, वैसे ही झोरा ओरा में सामान भरने लगती हैं और तुरंत नैहर जाने लगती हैं। सासू माँ भी एकदम हल्कान परेशान हैं। ऐसी हैं हमारी रंजना भाभी। अब आप ही लोग बताइए, ऐसी भाभी जी के ऊपर हम वीडियो क्यों ना बनाएं? सासू माँ कुछ कहती हैं इनके भलाई के लिए, पर ये सुनती ही नहीं है। धै झोला धै झोला धै झोला, झोला में सामान लेके इसे कंधे पर टांग के पैदल चली जाती हैं। ऐसी हो गई हैं हमारी भाभी जी। तो चलिए गाइस, ये पार्ट 1 था। इनके ऊपर बहुत सारा पार्ट ले आना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे पार्ट बनाने पड़ेंगे हमारी भाभी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।